आते हैं जीवन में कुछ भी परेशानियां चल रही हो तो बाबा भोलेनाथ की भक्ति में लीन हो जाना चाहिए। बाबा भोलेनाथ की भक्ति में लीन होने के लिए सबसे सही समय और उत्तम समय सावन मास माना जाता है, क्योंकि सावन का महीना भगवान भोलेनाथ को अत्यंत प्रिय है और आज से वही सावन महीने की शुरुआत हो चुकी है। जैसे ही सावन महीने की शुरुआत होती है, देवघर के बाबा बैद्यनाथ मंदिर में कांवरियों की भीड़ उमड़ पड़ती है। आप तस्वीर के माध्यम से देख पा रहे हैं कि कैसे पूरा जो बाबा मंदिर है वो गेरुए वस्त्र धारण किए कांवरियाँ पूरे मंदिर में बोलबम के नारों के साथ गुंजमान है। और यह जो नज़ारा है, यह सिर्फ देवघर के बाबा मंदिर में ही नहीं है, बल्कि देवघर के गली गली में आपको सिर्फ कांवरिया ही दिखेंगे जो बोलबम के नारों के साथ ही कतारबद्ध होकर बाबा मंदिर की ओर बढ़ रहे हैं। अगर भीड़ की हम बात करें तो भीड़ इस कदर बढ़ चुकी है कि जो बाबा मंदिर से 6 किलोमीटर की दूरी पर बीएड कॉलेज तक कतार यह पहुंच चुकी है। आप देख पा रहे हैं कि जो बाबा भोलेनाथ की जो गर्भगृह शिव मंदिर से निकलकर पार्वती मंदिर की ओर जो कतार है वह धीरे धीरे बढ़ रही है। और माना जाता है कि इस बार का जो सावन है बेहद शुभ संयोग के साथ शुरू होने जा रहा है, क्योंकि सावन इस साल मात्र 29 दिनों का रहने वाला है, लेकिन इन 29 दिनों में जो सोमवार दिन के साथ सावन की शुरुआत होने वाली है और सोमवार दिन के साथ ही सावन की समाप्ति होने वाली है। हम कुछ कांवरियों से भी बात करते हैं कि आखिर आपने पूजा कर लिया? जी हाँ, बहुत बहुत ही भक्तिमय लग रहा है। बहुत कहाँ से आए हैं? यूपी से। कैसा लगा? यूपी से बढ़िया लगा। कैसा अनुभूति हुआ? अच्छा हुआ बात आने का। बिल्कुल, जो कांवरिया है वो सुल्तानगंज से जब जल भरते हैं और 110 किलोमीटर की पैदल यात्रा करते हैं, हालांकि यात्रा के समय उन्हें कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ता होगा, कुछ कष्ट होते होंगे, लेकिन जैसे ही वो पांव बाबा मंदिर में प्रवेश करते हैं उनकी सारी परेशानियां सारे कष्ट बाबा भोलेनाथ हर लेते हैं। बाबा जो बैद्यनाथ मंदिर है उन्हें कामना लिंग भी कहा जाता है। माना जाता है कि अगर आप कोई भी कामना लिए इस मंदिर में पहुंचते हैं तो आपकी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण होती हैं। अगर हम व्यवस्थाओं की बात करें तो यहाँ पर कांवरियों के लिए बाह्य अर्घा भी लगाया गया है, जो बच्चे हो महिला हो या फिर बुजुर्ग, वो कतार से होकर अर्घा में गर्भगृह में नहीं जा सकते, अर्घा के माध्यम से वो जलार्पण नहीं कर सकते हैं, वो बाह्य अर्घा में जलार्पण कर बाबा भोलेनाथ पर जलाभिषेक कर सकते हैं। अगर सुरक्षा की बात करें तो तमाम सुरक्षाकर्मी यहाँ पर लगाए गए हैं, बाबा मंदिर में ही नहीं जाके पूरे कांवरिया पथ पर भी सुरक्षाकर्मी लगाए गए हैं। महिला सुरक्षाकर्मी भी है जो काफ़ी सुलभ तरीके से कांवरियों को जलार्पण करने में मदद कर रहे हैं। देवघर से परमजीत कुमार, लोकल 18 है। देखिए, सावन 30 दिनों का रहेगा और उसमें सावन के सोमवार इस बार 5 सोमवार पाएंगे, तो 5 सोमवार जो पाया जाएगा, सोमवार जो है सो वो चंद्रवार भी उसको बोलते हैं, और चंद्र कहाँ है? बाबा के मस्तक के ऊपर है, तो चंद्रमा जो है सो सोमवार बोले या चंद्रवार बोले, सोम मतलब चंद्रमा, तो चंद्रमा जो है सो स्वयं अपने नक्षत्र में है, श्रवण नक्षत्र में, सोमवार को पहला दिन, और श्रावण मास जो है वह श्रवण नक्षत्र से ही जुड़ा हुआ है, इसलिए श्रवण नक्षत्र का जो है सो सोमवार, और सोमवार में मकर राशि में भगवान ये थे चंद्रमा है, चंद्रमा मकर राशि में है, मकर राशि शनि का राशि माना गया है, शनि को सबसे ज़्यादा प्रिय तिल है, तिल देख के भी लोग चढ़ाते हैं, वैसे आप किसी भी रूप से उनका अभिषेक कर सकते हैं, अभिषेक मतलब होता है स्नान, उनको कर सकते हैं।